नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, ये मेरे सामने जो ऑर्डर है आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है और डिपार्टमेंट है होम अफेयर्स का। और सीधी सी बात मैं आपको बताऊं तो आपकी सर्विस टेम्परेरी सस्पेंड कर दी गई है। इसके अंदर आपका इंटरनेट आता है और कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर शामिल है वो भी बात करेंगे। क्या इस लेटर के अंदर कहा गया है, कितने दिन के लिए कहा गया है, कौन सी चीज़ सरकार को लगता है कि इसके कारण ये इंटरनेट बंद किया गया है, उसके बारे में इस लेटर के अंदर जो मेंशन किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। परंतु दोस्तों, आपको ये तो लगता होगा कि सरकार जब चाहे आपको पिछली शताब्दी के अंदर धकेल सकती है, पिछली शताब्दी के अंदर ले जा सकती है। हम आज के दिन सारा का सारा टोटल डिपेंड किस पे करते हैं, वो करते हैं इंटरनेट के ऊपर। और यदि आपकी इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपने जो पैसा जिन कंपनियों को दे रखा है, यानी कि आपने रिचार्ज करवा रखा है, वो आपका पैसा क्या रिफंड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपके पैसे की बर्बादी के साथ साथ में आपकी जो अर्जेंट सर्विस हैं वो भी टोटली यहाँ पे सस्पेंड हो जाती हैं। आइए इस लेटर को देख लेते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी लगता है कि यदि स्टेट के अंदर शांति बनाए रखनी है या देश के अंदर शांति बनाए रखनी है तो सरकार अपना पक्ष रखती है कि इस प्रकार के रूमर्स को रोक दिया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन या फॉल्स न्यूज जो सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं उनको फिर सरकार कैसे कंट्रोल करे। परंतु कहीं इसकी आड़ के अंदर, इसके एक छाया के अंदर आपकी सही इंफॉर्मेशन भी दब जाती है, कहीं ना कहीं नुकसान भी इसके साथ में हो जाता है। आइए दोस्तों इस लेटर को देखते हैं। यह है ऑर्डर अंडर रूल 2 ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017। सबसे पहले पॉइंट के अंदर यह बताया गया है कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID की इंफॉर्मेशन के आधार पे है, जो हरियाणा के अंदर प्रोएक्टिव मिस इंफॉर्मेशन और फॉल्स न्यूज जो सोशल मीडिया पर रिगार्डिंग ऑनगोइंग फार्मर एजिटेशन, यानी कि किसान जिस प्रकार का एजिटेशन कर रहे हैं उससे संबंधित मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिली है, इसलिए लो एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आगे दूसरे पॉइंट में है इंटरनेट सर्विस बाय वे ऑफ स्प्रेड। इंटरनेट सर्विस एक माध्यम बन गया है इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स, आग लगाने वाले मटेरियल्स और फॉल्स झूठे रूमर्स विच आर बींग कुड बी ट्रांसमिटेड सर्कुलेटेड टू द पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक में जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर रोक लगाई गई है। तीसरे स्टेप के अंदर क्या बताया गया है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाई जाती हैं, रूमर्स कैसे फैलाई जाती हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा, उसके बाद में मोबाइल फोन और SMS सर्विस भी, और मोबिलाइजेशन होता है मॉब्स का एजिटेटर्स के द्वारा और डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। इसके साथ में फोर्थ पॉइंट में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, टेम्परेरी सस्पेंशन है और पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 के अनुसार है। इसमें कौन कौन सी चीज आपकी बैन की गई है उसको समझिए। सस्पेंशन किया गया है मोबाइल इंटरनेट सर्विस का, चाहे आपका फोन 2G पे चलता हो, 3G, 4G, CDMA या GPRS किसी भी माध्यम से चलता हो। ऑल SMS सर्विस, सभी प्रकार की SMS सर्विस भी यहाँ पे बैन कर दी गई है। परंतु इसमें बैंक और मोबाइल रिचार्ज सिर्फ 2 को छोड़ा गया है। सभी प्रकार की आपकी डोंगल सर्विस वो भी बैन रहेंगी। प्रोवाइड 1 मोबाइल नेटवर्क एक्सेप्ट द वॉइस कॉल, सिर्फ आपके एरिया में वॉइस कॉल को छोड़ के बाकी सब कुछ बैन किया जाएगा। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से शामिल हैं ये भी देखिए, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सिरसा, हरियाणा की स्टेट्स में ये वाले डिस्ट्रिक्ट। और ये डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए आप इनको गिन सकते हैं। ऑल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड ऑफ हरियाणा इंक्लूडिंग द हेड ऑफ BSNL, BSNL के हेड इंक्लूडिंग, मतलब BSNL भी इसके अंदर शामिल है। कहीं आप ये खुश हो जाएं कि मेरा तो BSNL का है। उसके बाद में पांचवें नंबर पे जो बताया गया है कि विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से 29/1/2021 से 30/1/2021, यानी एक दिन के लिए
17 आवर्स एंड ऑर्डर इशूड 5 बजे तक कल, और ऑर्डर इशू किया गया है 28/1/2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोनीपत झज्जर पलवल। जो सोनीपत झज्जर पलवल 3 डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही ऑर्डर आया हुआ था वो 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। उसके बाद लिखा गया है कि यदि आप इस रूल को ब्रेक करते हैं, यानी कि टेलीकॉम ऑपरेटर को लिखा गया है, तो आपके अगेंस्ट वायलेशन गिल्टी या किसी प्रकार का है तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है रिलेवेंट प्रोविजन के द्वारा। और यहाँ पे जो साइन है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा राजीव अरोड़ा के साइन है, जो होम डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों, एक दिन के लिए आपकी टेलीकॉम सर्विस, इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई है, परंतु मुझे इसमें डाउट है कि ये सिर्फ एक दिन के लिए होंगी। जैसे जाट एजिटेशन के दौरान ये बहुत लंबे समय तक आपका ऑपरेटर ने या फिर सरकार ने आपकी टेलीकॉम सर्विस, इंटरनेट सर्विस बंद करके रखी थी, हो सकता है ऐसे ही काफ़ी लंबे समय तक आपको इस दौर से गुजरना पड़े। और यदि आपका रिचार्ज ड्यू है तो सोच समझ कर आप रिचार्ज करवाएं, क्योंकि ये पैसे की बर्बादी भी होगी। तो ये था आज का कंटेंट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।